उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग से नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन निरस्त हो गए हैं, जिसके बाद अब कुल 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी ही चुनाव मुकाबले में रह गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार में 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई है, बाकी सभी सीटों पर नामांकन सही पाए गए हैं। 30 मार्च को नाम वापसी के बाद अंतिम संख्या स्पष्ट हो पाएगी। वही अपर मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। टिहरी सीट पर 11, गढ़वाल में सीट पर 13, हरिद्वार में 14, नैनीताल सीट पर 10 और अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 3 बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टेहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं, गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं, अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं, नैनीताल उपनगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है।